हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज और आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ इस मेरे यूट्यूब चैनल और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सबको ये बता दूं कि इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है 5G सेट के लिए, 5G स्मार्टफोन के लिए। तो जब इंडिया में 5G फोन के लिए स्मार्ट 5G स्मार्टफोन के लिए अनाउंसमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ही चुका है, तो इसमें Xiaomi कहाँ पीछे रहने वाले दोस्त। हाँ भैया, सही सुना आपने, Xiaomi जो कि इंडिया का इस वक्त नंबर वन सेलिंग कंपनी, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा फोन इस समय Redmi Xiaomi का ही बिकता है। तो इस हिसाब से Xiaomi कहाँ पीछे रहता दोस्त, उसने भी अपना 5G वाला फोन लॉन्च करने ही वाला है, उसके लिए उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ही चुका है। तो क्या है उस फोन के बारे में टोटल आपको जानकारी दूंगा, उसके फीचर्स के बारे में कितना ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, कितना जानकारी दिया गया, कितना रिलीज हुआ है और क्या कैमरा क्वालिटी क्या होगा, क्या इसमें है खास बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हर बार की तरह, अगर पहली बार दफा चैनल में है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार के नए अपडेट का, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, Xiaomi का इस जो फोन आ रहा है, K सीरीज का स्मार्टफोन है रेडमी K30 के, इसका जो नाम होगा रेडमी K30, और बहुत बेहतरीन धमाकेदार टेक्नोलॉजी से लेस होगा, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस होगा। इसका खास बात क्या है, खास बात सबसे पहला खास बात यह है कि 4G और 5G दोनों वेरियंट में होगा, और जो आप 4G वाला लेंगे उसमें 4G सिर्फ 4G ही चलेगा, जो 5G वाला लेंगे उसमें ड्यूअल मोड में होगा कि आप 4G भी यूज कर सकते हैं, 5G यूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा, दोनों वेरिएंट में रहेगा एक ही में। तो ये सबसे खास बात है। दूसरा जो खास बात है, सबसे हाईलाइटेड बात है, कि इसमें जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, मतलब सेल्फी कैमरा, ये ड्यूअल कैमरा होगा, ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरा, मतलब ड्यूअल सेल्फी कैमरा के साथ ये फोन लेस होगा, तो जो कि बहुत बेहतरीन सेल्फी खींचने के लिए अवेलेबल होंगे। इसका कैमरा क्वालिटी क्या है, कैमरा का मतलब फीचर्स, कैमरा मेगापिक्सल, कितना मेगापिक्सल का है सामने वाला, रियर वाला कितना हो, ये सारा बाकी इसका छोड़ के जितना मैंने बताया कि फ्रंट फेसिंग ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ होगा, और साथ साथ ये जो ड्यूअल मोड के साथ होगा, 4G 5G में होगा तो 4G 5G होगा तो 5G में ड्यूअल मोड के साथ होगा। यही दो हाईलाइटेड बात अनाउंस हुआ है ऑफिशियल की तरफ से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताया गया कि ये फोन इंडिया में मतलब नेक्स्ट साल, मतलब अगला साल, इस साल के बाद यानी जनवरी महीना के स्टार्टिंग में, मतलब दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी महीना के स्टार्टिंग में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कब लॉन्च होने वाली है। ऑलरेडी इसके बारे में टोटल काम चल रहा है, और चाइना में लॉन्च इसी साल का लास्ट तक, मतलब दिसंबर में ही हो जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सब किसी को इसका इंतजार रहेगा, बिल्कुल मेरे को भी इंतजार है, जो फ्रंट फेसिंग ड्यूअल कैमरा के साथ 4G 5G सेटअप वाला फ़ोन, 5G पहला। लेकिन आप एक दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल भी रहता है कि 4G का ही हम लोग का जो सेट, हम लोग का 4G यूज़ कर रहे हैं सही है, लेकिन 5G का फ़ोन तो आ जाएगा, लेकिन 5G का नेटवर्क भी तो उस प्रकार से अपग्रेड करना और ग्रो करना भी ज़रूरी है, ताकि हम लोग 5G का बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं, आप वो तो समय ही बताएगा कि किस प्रकार से उसका अपग्रेडेशन होगा हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और साथ साथ इस फोन के साथ। तो इस फोन का लॉन्चिंग के लेके तो बहुत एक्साइटमेंट है ही, क्योंकि 5G वाला फोन ड्यूअल और फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। चलिए दोस्तों, अब आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इतना ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इससे ज़्यादा है नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना प्लीज़, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, पहली दफ़ा हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरा देना, और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखना। चलिए, जय हिंद।